हे फ्रेंड्स, मैं नवीन विवेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों WBCA के कॉलेज एनालिसिस को। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आप लोग आपके पर्टिकुलर रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस को डिजर्व करते हैं, ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो आपके चॉइस पैनल पे जरूर होना ही चाहिए। अगर आप चॉइस लिस्ट आज के दिन बना रहे हैं, आपकी जितनी भी रैंक आई है, आप अगर खोज रहे हैं एक बेस्ट कॉलेज, से दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा जो है हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक अग्रवाल, मैं हूं अपकमिंग स्टूडेंट ऑफ IIT खड़गपुर, और यहां पर हम बात करेंगे आज के दिन WBCA के कॉलेज एनालिसिस। और मैं आज के दिन आपको एक ऐसी जादूगर या फिर एक ऐसी टूल दिखाऊंगा दोस्तों, जो आप शायद ही WBCA में किसी के पास देखे होंगे। सब आपको कट ऑफ दिखाते, सब आपको ये दिखाते, वो सब तो हम अपने चॉइस जो भी काउंसलिंग असिस्टेंस में वो तो ऐसी प्रोवाइड करते हैं, पर उसके बाद भी है दोस्तों, हम लोग मैंने खुद बनाया एक कॉलेज प्रिडिक्टर, जो आप लोग किसी भी दूसरे साइट पर देखेगा तो वहां पर जो है आपके डेटास को ले लिया जाता है और फिर उसका मिसयूज करते हैं। दूसरे कॉलेजेस आपको फोन कर रहे हैं कि आप यहां पर एडमिशन्स ले, तो मैं आपको हमेशा कहता हूं जो कॉलेजेस आपको फोन कर रहे हैं कि वहां पर आपको एडमिशन्स लेनी चाहिए, तो दोस्तों उनकी हालत इतनी खराब है कि जो है कोई नहीं ले रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चों को फोन करके बोल रहे हैं कि जो है कि मेरा कॉलेज बेस्ट है। देखिए दोस्तों, उनकी हालत बड़ी खराब है, तो इसीलिए उनको फोन करना पड़ रहा है आपको। और प्लीज इन सारी चीजों को आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, उन छोटे छोटे कॉलेजेस का नाम, और मुझे कहते हैं वीडियोस बनाने। मैं क्यों बनाऊं दोस्तों उन सारे कॉलेजेस पे वीडियो जिनकी हालत इतनी ज्यादा जो है खस्ता हो रखी है। तो चलिए, हम लोग उनकी बात हम बाद में करेंगे, बट आज हम बात कर रहे हैं WBCA कॉलेज एनालिसिस की। और आप हमेशा ध्यान रखिए, यू डिजर्व द बेस्ट। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहते हैं किसी बेहतरीन कॉलेज में, चाहे वो डोनेशन के साथ हो या कम डोनेशन में हो या फिर आपको जो है अच्छे कॉलेजेस में, तो वहां पर दोस्तों आप जो है अभी हमारे एडमिशन कमेटी टीम को रीच आउट करेंगे। और इनका जो हिंदी टीम का जो नंबर है वो है 8583045005। यहां पर हमारे ऑफिस को भी आप विजिट कर सकते हैं और एडमिशन को प्रोसेस करवा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब विवेक जहां भी आता है दोस्तों, ट्रस्ट लेकर ही आता है। और हमारे चैनल पे हम लास्ट 4 या 5 ईयर से वीडियोस बना रहे हैं, एंड ईच एंड एवरी वीडियो हैज बीन लाइक्ड बाय यू गाइस। चलिए हम लोग वीडियो इसके आगे मूव करते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि अगर आप जो है दोस्तों हमारे बंगाली टीम को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसका नंबर है 9339012199। यहाँ पर आप लोग बंगाली लोग कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे बंगाली पर्सन से बात कर सकते हैं फॉर डायरेक्ट एडमिशन इंक्वायरीज। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कॉलेजेस। तो कॉलेजेस में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मैं अभी स्क्रीन से जरा हट जा रहा हूं। आप देखिए कि जादवपुर यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी हमेशा नंबर वन पे रहती है, उनको मिलता है टॉप स्लॉट। उसके बाद जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन कॉलेज आता है, दैट इज टेक्नोमेन सॉल्ट लेक। और इसके बाद कॉलेज आता है IIM UEM का, जो अभी नया कॉम्बिनेशन है, दैट इज सेकंड वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस जो आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो है फर्स्ट में बहुत सारे लोग जो है हेरिटेज को भी कंसिडर करते हैं, तो हेरिटेज इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कॉलेजेस। इसके बाद आपके नरूला आपके लिस्ट में जरूर होना चाहिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में देख रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज में नरूला आपके लिस्ट में होना चाहिए। नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज NSCC जरूर आपके लिस्ट में होना चाहिए। हल्दिया इंस्टीट्यूट वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेज, बट जरा सा आउटसाइड है, तो क्या आप ये अपने लिस्ट में कर रहे हैं, तो आपको मेरे ख्याल से आपके लिस्ट में ये कॉलेज भी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें बीबी पोद्दार वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है दोस्तों, इसको भी आपके लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इसके बाद है AOT कॉलेज, अगर आपकी रैंक कुछ ऑलमोस्ट आ रही है 30-40 हजार के आसपास, तो AOT कॉलेज बीबी पोद्दार आपके लिस्ट में होना चाहिए। AOT की हम CSE की बात करें 10-15 हजार होगी मैक्सिमम। यहाँ पर टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज, इसको भी आपके लिस्ट में जरूर होना चाहिए। 20-25-30 हजार 50 हजार तक की रैंक है, तो इनके स्पेशलाइजेशन को ऐड करें। यहाँ पर जो है RCC IIT में 2 ब्रांचेस खुल चुके हैं अब, CSE CSE AI ML, ये कॉलेज भी आपके लिस्ट में होना चाहिए। यहाँ पर आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी 6 लाख कर दी गई है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों MSIT की, तो MSIT भी आपके लिस्ट में होना चाहिए। और इसके बाद GIS कॉलेज भी आपके लिस्ट में होना चाहिए। तो GNIT दोस्तों आपके लिस्ट में तो जरूर होना चाहिए, वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेज है अगर आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं तो। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम जब जाके देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से सेक्टर्स में आते हैं। सबसे पहले हम लोग, अगर आपके पास 1000 के आसपास रैंक है, आपके लिए जादवपुर बनता है। और अगर आपको CSE चाहिए तो आपके लिए हेरिटेज कॉलेज बनता है, या फिर आपके लिए बनता है IIM कॉलेज, या फिर आपके बनता है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। आपके पास 3000 तक का जो रैंक है, तो आप इन सारे कॉलेजेस में भी CSE ले सकते हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज बताया, या फिर CSE का स्पेशलाइजेशन AIML ले सकते हैं, दूसरे ब्रांचेस को ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में। अगर आप बात करें गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो आप ECE जलपाईगुड़ी में ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं इसमें ECE CSE ले सकते हैं, या फिर हम कल्याणी की बात करें, या फिर हम बात करें जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये सारे 3000 के अंदर ये सारे कॉलेजेस को हम कवर अप कर सकते हैं। हम इन सारे कॉलेजेस में
गुड ब्रांचेस को ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करें 5000 रैंक तक, तो आप यहां पर जो है सेरेमिक कॉलेज गवर्नमेंट में कंसीडर कर सकते हैं अगर आप होम स्टेट में है तो, और गवर्नमेंट में जाना है तो आप यहां पर लेदर टेक्नोलॉजी या फिर सैरमपुर बैरमपुर या फिर कोचबिहार पुरुलिया गवर्नमेंट कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर 5000 में अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आप यहां पर जो है हेरिटेज कॉलेज में सीएससी स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं या फिर आईएम में सीएससी स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं या फिर आप जो है मेन कोर सीएससी चाहिए तो आप टेक्नो की तरफ मूव आउट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका सेक्टर बनता है। 10,000 के पार अगर जा रहा है तो आपको स्पेशलाइजेशन लेके इन सारे टॉप कॉलेजेस जो मैंने बताया यहाँ पर आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये पर अगर आपको कोर सीएससी चाहिए तो आप नेताजी सुभाष की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर आप एओटी की तरफ देख सकते हैं, बीबी पोदार की तरफ देख सकते हैं या फिर इन सारे दूसरे कॉलेजेस की तरफ आपको जो है अपना नजर अब जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको जो है अपनी नजर डालनी पड़ेगी आरसीसी के सीएससी कोर पे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 15,000 तक की अगर आपके पास रैंक आ रही है और आपको सीएससी आईटी चाहिए तो जितने भी मैंने दूसरे कॉलेज बताया बीबी पोदार हो गए जो लास्ट रो में आपको बताया था उन सारे कॉलेजेस में आपको मेन सीएससी की तरफ देखना चाहिए। और अगर मेन सीएससी जैसे कि नेताजी में नहीं मिलता तो आप इस समय आईटी की तरफ एआईएमएल की तरफ इन सारे कॉलेजेस की तरफ आपको अप मूव आउट करके देखने का ध्यान देना चाहिए। 20,000 में दोस्तों आपको सब में आईटी देखना चाहिए, सारे कॉलेजेस में आईटी सीएससी स्पेशलाइजेशन की तरफ देखना चाहिए। और कोर चाहिए तो आपको जो है टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन या फिर एमएसआईटी में जो है कोर सीएससी देखना चाहिए। 30,000 की अगर हम बात करें दोस्तों 30,000 में तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, तो 30,000 में अगर हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे तो इन जितने भी कॉलेजेस बताया उनमें आपको जो है सीएससी स्पेशलाइजेशन या फिर अगर आपको सीएससी चाहिए तो जीआईएस कॉलेज की सीएससी जीएनआईटी की कोर सीएससी की तरफ देख सकते हैं, एमसीकेवी की कोर सीएससी की तरफ देख सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों इससे भी ज्यादा बेहतर चॉइस रहेगा अगर आप आईटी ब्रांच बीबी पोदार में देख रहे हैं या फिर आपको या सीएसबीएस मिल जा रहा है एओटी कॉलेज में या फिर हल्दिया फल्दिया में, तो आप पहले में मैंने बताया कि 5,000-7,000-8,000 के अंदर आपको इन सारे कॉलेजेस को देखना चाहिए। 50,000 के पास आपकी रैंक पहुंची है तो मेरे हिसाब से टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन पे आपको सीएससी स्पेशलाइजेशन देखना चाहिए और दूसरे जो कॉलेजेस हैं छोटे मोटे उनके अंदर आपको सीएससी स्पेशलाइजेशन देखने को जरूर मिल सकता है अगर आप लकी इनफ रहे। और अगर गुड कॉलेज चाहिए तो आप जो है आप 50,000 के प्लस पे आप डायरेक्ट एडमिशन की तरफ भी जो है अपने नजर को मोड़ सकते हैं और कुछ अच्छे कॉलेज में आप अपने आपको डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं जहां पर डोनेशन आपको जो है लिमिटेड अमाउंट्स पे देखने को मिलेगा। उसके लिए आप हमारे हिंदी टीम को यहाँ इस नंबर पे कनेक्ट कीजिए और बंगाली टीम को यहाँ पर इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन कॉलेजेस में आपको एक अच्छी एडमिशन प्रोसेस मिल रही है। तो ये आप सबसे मूव फॉरवर्ड गुड चॉइसेस रहेंगे या फिर आप जीएनआईटी ये सब में सीएससी स्पेशलाइजेशंस लेकर पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है कौन कौन से डिफरेंट सीएससी के स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही है सीएससी कोर। सीएससी कोर जो होता है दोस्तों वो पुराना एक ब्रांच है जो काफी सालों से चला आ रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से एआईएमएल में इलेक्टिव्स कर सकते हैं, साइबर में इलेक्टिव कर सकते हैं, आईओटी में इलेक्टिव कर सकते हैं या फिर आप बिजनेस सिस्टम का कोई इलेक्टिव नहीं आता दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आप सीएससी कोर में कोई भी जाकर फाइनल ईयर में चूज कर सकते हैं, बट जब आप एआईएमएल लेते हैं तो आपकी पहले से ये जो है फिक्स हो जाती है और एआईएमएल वन ऑफ दी बेस्ट ब्रांच आज के दिन उठ के आ रहा है। साइबर ब्रांच भी बहुत ज्यादा जो है गुड है और यहाँ पर जो है साइबर थ्रेट्स के ऊपर पढ़ाया जाता है। क्या इसका मतलब है कि हम एआई पे कोर्स नहीं कर सकते? यस, आप कर सकते हैं एआई पे कोर्स। आप जो है फोर्थ ईयर में जाकर आपको फिर से एक मौका मिलेगा कि आप कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को चूज करें और फिर आप एआई की सब्जेक्ट को देख सकते हैं। आईओटी दोस्तों एक ऐसा ब्रांच है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है, मतलब जो मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं सीएससी पढ़कर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीजों के साथ मेकअप करना चाहते हैं तो वो दोस्तों आईओटी की तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकता है। और ये भी जो ब्रांच है वो काफी अपकमिंग एंड अपग्रोइंग ब्रांच है। बट आज के दिन अगर दो ब्रांचेस जो काफी ज्यादा मार्केट में ट्रेंड एनालिसिस बना रखे हैं वो है डेटा साइंस आपके पास या फिर साइबर या फिर एआईएमएल, तो डेटा साइंस भी वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है। इसके साथ साथ आईटी ब्रांच आता है जो काफी पुराना है और आईटी ब्रांच में पूरा सीएससी कोर के तरह ही मेन टू डिट्टो सिलेबस होता है और हमने इसको एक वीडियो पे कवर अप भी किया, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट करें। यहां पर हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं प्रिडिक्टिव पे। तो एक प्रिडिक्टर हमने बनाया है दोस्तों, प्रिडिक्टर में अगर हम लोग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को पुट ऑन करते हैं तो हम लोग के पास एग्जैक्ट जोन कौन से कॉलेजेस ऑफ द वेस्ट बंगाल में क्या कट ऑफ रही थी हम देख सकते हैं। तो दोस्तों पहले प्रिडिक्टर में मैंने डाला था कि जो है प्राइवेट कॉलेजेस में अगर मुझे 1 से लेके 10,000 तक की रैंक आ रही है तो मुझे
कौन कौन से कॉलेजेस में सीएससी या फिर सीएससी स्पेशलाइजेशन देखने को मिल सकता है, और वो भी कौन सी कैटेगरी में, ऑल इंडिया कैटेगरी एंड ओपन स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है हमारे पास हेरिटेज आ रहा है, हेरिटेज के कुछ AIML और दूसरे ब्रांचेस भी आ रहे हैं, हमारे पास IEM आ रहा है जो UEM के साथ एसोसिएटेड है, इसके अलावा टेक्नो आ रहा है, इसके बाद हल्दी आ रहा है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इन सारे सेक्टर्स में हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑल इंडिया कट ऑफ, अब WBJ में जो वेस्ट बंगाल कट ऑफ है वो जरा डिफरेंट होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर कवरअप नहीं कर रहे हैं। तो इन सारे कॉलेजेस में अगर 1 से 10,000 रैंक है और CSE कोर चाहिए तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। बट इसके जो नीचे वाले कॉलेजेस हैं क्या उनमें हमें नहीं लग सकता? यही वहां भी आपको लग सकता है, ये आपको ज्यादा अच्छा पड़ेगा अगर आपके पास 10,000 तक रैंक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं 10 से लेकर 20,000 के अंदर हमें कौन से कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको हेरिटेज में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाता है 12,000 रैंक तक। इसके बाद हमें IEM में बहुत सारे दूसरे ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमें टेक्नो में ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, हल्दिया में देखने को मिलते हैं, और AOT में मुझे जो है ऑल इंडिया CSE देखने को मिल जा रहा है कुछ 13,000 से लेकर 17,000 रैंक तक। तो दैट इज वाई लाइक हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रेडिक्टर है, वो कैसे वर्कआउट करता है हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके बाद ऑल इंडिया गवर्नमेंट प्रेडिक्टर में हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑल इंडिया में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो हमने प्रेडिक्टर में बहुत सारे कॉलेजेस नहीं डाले, यहाँ पर हमने जादवपुर डाला है, यहाँ पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी डाला है और मौलाना आजाद डाला है, और इसके बाद जो है हमने सिर्फ 2-3 ब्रांचेस को यहाँ पर पुट ऑन किया है सो दैट कि हमारा PDF छोटा लगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है इन सारे कॉलेजेस में ये सारे ब्रांचेस को हम कवर अप कर रहे हैं, और मैक्स टू मैक्स हमें मौलाना आजाद में जो है कंप्यूटर साइंस देखने को मिल रहा है 5,000 रैंक तक, जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इस साल 3,000 तक में क्लोज होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट प्रेडिक्टर में कि हमने डाला है कि वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स जो है वो क्या डालेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है जलपाईगुड़ी कवर कर रहा है, कल्याणी कवर कर रहा है, जो CSE IT, और ये सबसे 5,000 रैंक तक जो है कवर अप हम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 1,000 से 5,000 रैंक तक है तो हम लोग यहाँ पर ये सारे ब्रांचेस को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसे प्रेडिक्टर काम करता है उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर जो है डायरेक्ट एडमिशन आप करवाना चाहते हैं तो हमारे हिंदी टीम को कनेक्ट करें, और यहाँ पर आपके जो है हिंदी टीम का नंबर होगा 8583045005, और डायरेक्ट एडमिशन ले इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल, चाहे हम बात करें GIS की, टेक्नो की, AOT की बात करें, या फिर हल्दिया, हेरिटेज, टेक्नो, नेताजी सुभाष, या IEM, या फिर कोई भी कॉलेज हो, दोस्तों हमारी टीम जो है सारी के सारी कनेक्टेड है। जो भी इंटरनेट पे आपको यूट्यूबर्स दिखते हैं या कोई दिखते हैं वो सब हमारे यहाँ से ही एडमिशन करवाते हैं। तो आपको मैक्सिमम सबसे लिमिटेड एंड सबसे अफोर्डेबल रेट चाहिए तो सब हमारे एडमिशन कमेटी टीम को रीच आउट करें, या फिर जो है हमारे बंगाली टीम को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनका भी नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9339012199। यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है इन द टॉप कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल। हमारे ऑफिस को विजिट करें और प्रोसेस कराएं हमारे एडमिशन को एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद जो है दोस्तों आप अगर हमारे काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम में रजिस्टर करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभी 22 सीट्स बची हुई हैं, यहाँ पर दोस्तों आप काउंसलिंग टीम को अभी रीच आउट करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें तो आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर लिंक में आप पहले जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है आप पहले फॉर्म फिलअप करें, अपलोड करें पेमेंट स्क्रीनशॉट, और उसके बाद जो है आपको एज सून एज पॉसिबल मेरे तरफ से स्पेशली आपको एक फोन आ जाएगा, जो टीम है मुझे आपका नंबर फॉरवर्ड करेगी और मैं आपको स्ट्रेट फोन करके आपको एक ग्रुप पे ऐड करूंगा, और आपको नेसेसरी डिटेल्स एंड जो भी हमने PDF अभी तक प्रोवाइड किए हैं वो सब उनको आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको एक प्रेडिक्टर एनालिसिस के साथ जो है प्रेडिक्टर में दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेडिक्टर में और सारे स्टूडेंट्स का नेम ऊपर से देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है हमने अभी तक उनके नेसेसरी चॉइस फिलिंग लिस्ट जो है एक डेमो लिस्ट प्रोवाइड किया है, और उसके बाद फिर हम जो है उसी में नेसेसरी चेंजेस करेंगे बच्चों से बात कर करके, दैट इज हाउ वी गो इन डेप्थ। और यहाँ पर हम दोस्तों आपके लिए कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइवेट में आपके लिए प्रेडिक्ट करके दिखाता हूँ। So, दोस्तों हमने यहाँ पर जो है डाला है कि जो है कैटेगरी हमारा ओपन है, सेकेंड ऑफ ऑल है कि हमारे जो रैंक है वो कुछ 10,000 से लेकर 25,000 तक है, और हम यहाँ तक जो है जितने भी कॉलेजेस में आ जा रहा है कट ऑफ वहां हम डालेंगे, वो भी राउंड 3 से राउंड 2 में आपको करना चाहिए, बट राउंड 3 से हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेरिटेज में हमें बहुत सारे ब्रांचेस मिल रहे हैं, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और लास्ट में नरूला में कंप्यूटर साइंस हमें 23,000 तक देखने को मिल गया था। तो यहाँ पर जो है RCC हो गया, हल्दिया हो गया, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें हम कवर अप कर रहे हैं बहुत सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उनके कट ऑफ और इनके प्रेडिक्शन एनालिसिस। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका भी अगर कोई भी रैंक आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपका प्रेडिक्ट करके देख सकूं, और भी बहुत सारी जगहों पर मैं चाहते हैं कि मैं आपको
ओवर द कॉल एंड ओवर द कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड करूं। तो दोस्तों आप हमारे एडमिशन क्या बोलते हैं काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा बेहतरीन रहेगा कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करवा चाहते हैं अभी हमारे बेस्ट कॉलेजेस में, तो अभी हमारे एडमिशन कमेटी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, जिनका स्क्रीन पे जो है आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन फ्लैश हो रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कहता है आपको अलविदा, बाय दोस्तों।